खबर इंदौर से है। सिमरोल आईआईटी कैंपस पहुंची बीडीएस की टीम, जहां कैंपस की सर्चिंग चल रही है। 15 अगस्त को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। मौके पर ग्रामीण डीएसपी भी मौजूद हैं। खबर इंदौर से, जहां सिमरोल आईआईटी कैंपस पहुंची बीडीएस की टीम, जहां कैंपस की सर्चिंग की जा रही है। दरअसल 15 अगस्त को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय को बम से उड़ाने की मिली थी धमकी, और इसके चलते अब यहां पर जांच टीम मौके पर पहुंची है। मौके पर ग्रामीण डीएसपी भी मौजूद हैं, जो कि इलाके का सर्चिंग अभियान चलाया गया है। पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है। उसमें जो केंद्रीय विद्यालय पीएमसी केंद्रीय विद्यालय, उनके प्रिंसिपल के मेल पर एक मेल प्राप्त हुआ था, जिसमें कि धमकी दी गई थी कि आने वाले 15 अगस्त को कैंपस को बम से उड़ा देंगे। जो सुरक्षा के जो हमारी एसओपी है, बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम है, स्नाइपर डॉग्स की टीम है, उन सब से हम लोग वहाँ सर्चिंग करा रहे हैं। उसके अलावा हमारी साइबर की टीम इस मेल को क्रैक करने में लगी हुई है, कहाँ से प्राप्त हुआ था, क्या है, इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। रायपुर में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। रायपुर के बड़े मॉल में छापा मारा गया, जहां केएफसी, पिज्जा हट और मोमोज अड्डा में छापेमारी को अंजाम दिया गया। मैग्नेटो मॉल में 100 लीटर फ्राइंग ऑयल जब्त किया गया। सिटी सेंटर मॉल के पिज्जा हट में वेज और नॉन वेज के लिए अलग फ्रीजर नहीं था। मोमोज अड्डा में एक्सपायर सूजी का 4 किलो आटा जब्त किया गया। मोमोज के 25 किलो मैदा में मिली गंदगी, दुकान बंद करने का निर्देश दिया गया। जांच के बाद केएफसी, पिज्जा हट और मोमोज अड्डा को नोटिस जारी किया गया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। रायपुर के बड़े मॉल में छापा मारा गया है। केएफसी, पिज्जा हट और मोमोज अड्डा में छापेमारी की गई, जहां मैग्नेटो मॉल में 100 लीटर फ्राइंग ऑयल जब्त कर लिया गया है। सिटी सेंटर मॉल के पिज्जा हट में वेज और नॉन वेज के लिए अलग फ्रीजर नहीं था। मोमोज अड्डा में एक्सपायर सूजी का 4 किलो आटा जब्त हुआ है। और अब खबर दुर्ग से, जहां पर दुर्ग में गृह निर्माण मंडल के अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। जिला न्यायालय के अधिवक्ता ने आयुक्त से शिकायत की थी। अधिकारी पर बिना पैसे के काम नहीं करने का आरोप लगा है। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। न्यूज 18 हालांकि इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन आप देख पाएंगे जो अधिकारी है वो नोट हाथ में लिए हुए हैं और उसे गिनते हुए भी नजर आ रहे हैं। दुर्ग का ये पूरा मामला है, जहां गृह निर्माण मंडल के अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ है। जिला न्यायालय के अधिवक्ता ने आयुक्त से शिकायत की। अधिकारी पर बिना पैसे लिए काम नहीं करने का आरोप लगा था। आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। न्यूज 18 नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। ग्वालियर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, जहां 1 करोड़ से ज्यादा की शराब नष्ट की गई है। 5380 पेटी बियर और 32 पेटी विदेशी शराब नष्ट की गई है। एक्सपायर हो चुकी विदेशी शराब भी नष्ट की गई, जहां सहायक आबकारी कमिश्नर के निर्देश पर कार्रवाई की गई। यारलू इलाके के बियर हाउस में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर आपको भिंड से, ग्वालियर से दे रहे हैं, जहां ग्वालियर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। 1 करोड़ से ज्यादा की शराब नष्ट की गई। 5380 पेटी बियर और 32 पेटी विदेशी शराब नष्ट की गई है। एक्सपायर हो चुकी विदेशी शराब भी नष्ट की गई। सहायक आबकारी कमिश्नर के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और भिंड में अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर, जहां पूर्व सरपंच के मकान पर चला बुलडोजर। पूर्व सरपंच रमेश त्यागी ने प्रशासन पर आरोप लगाया। राजनीतिक द्वेष से तोड़ा गया मकान, अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ बहस की गई। भिंड जिले के रौन नगर परिषद का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं भिंड से, जहां पर अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर और इस दौरान पूर्व सरपंच के मकान पर बुलडोजर चला। पूर्व सरपंच रमेश त्यागी ने प्रशासन पर आरोप लगाया है। राजनीतिक द्वेष के चलते उनका मकान तोड़ा गया है, ये आरोप लगाया गया। अतिक्रमण हटाने गई टीम के साथ बहस हुई। भिंड जिले के रौन नगर परिषद का ये पूरा मामला। किसने तोड़ा भाई? पूरे बस्ती में किसी ने नहीं टूटा, सीएमओ ने।
क्या जैसे अतिक्रमण में था क्या आपकी निजी संपत्ति थी? भाई निजी संपत्ति अतिक्रमण था ही, अतिक्रमण खुल में जगह पर ढाबा पड़ी है, देखिए अतिक्रमण है नहीं बिल्कुल, जगह तो लग गई, लगी क्यों, जगह तो वही है, दो मंजिल मकान था, 30x30 का अपना सारा गंदा भरा उसमें, 57 गेहूँ भरे, इस पर चक्की लगा नीचे मंजिल में, सब ऐसे ऐसे कर। तो आपको नोटिस दिया था इन्होंने क्या? नोटिस इन्हें दिया था, वो कार्रवाई हो चुकी थी पहले, नोटिस दिया था, वो कार्रवाई पहले हो चुकी थी, इन्होंने दिया था कि आपने चबूतरा नला पत्रकरण कर लिया है, तो देख के आ गए थे, उन्होंने बता दिया था नला जी आपका है, कितना बनाओगे, मतलब किसी जगह 40 फुट जगह डली थी, नला बना था 10 फुट में, हमने किस्त और बनाओ बनाओ साथ चले गए थे करके देख के आम की बाद मान गए थे, दोबारा फिर इनको दबाव पड़ाया कुछ जो, तो फिर दोबारा इनने कल अनाउंस करवाया और आज दबा दिया। खबर मुरैना से, जहां पर अतिक्रमण हटाने की टीम पर पथराव का मामला सामने आया, पथराव करने वाले करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। पथराव में एसडीएम की गाड़ी को नुकसान पहुंचा था, जेसीबी समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई थी। उरियारी गांव के माफी की जमीन से हटाया गया और गया था अतिक्रमण, हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। तो खबर मुरैना से आपको दे रहे हैं, जहां पर अतिक्रमण हटाने की टीम पर पथराव का मामला सामने आया, पथराव करने वाले करीब 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। पथराव में एसडीएम की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा था, जेसीबी समेत फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी नुकसान हुआ था। उरियारी गांव के माफी की जमीन से हटाया गया था अतिक्रमण और अब हाईकोर्ट के आदेश पर ये कार्रवाई हुई है, 100 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। और खबर खरगोन से, जहां राजपुरा के रेणुका माता मंदिर में चोरी की घटना हुई। जी हां, माता के सोने का मुकुट चुरा ले गए चोर, दान पेटी से पैसे लेकर फरार हो गए चोर। चोरी का सीसीटीवी सामने आया, फुटेज सामने आया है, जहां चेहरे पर कपड़ा बांधकर चोरों ने अपनी पहचान छुपाई है। हालांकि ये पूरा सीसीटीवी जरूर सामने आया है, लेकिन कुछ चोर हैं जो कि नजर भी आ रहे हैं जब वो मंदिर परिसर के अंदर दाखिल होते हैं। माता के सोने का मुकुट चुरा ले गए चोर, दान पेटी से कैश भी ले गए। ये पूरा मामला खरगोन का है और ये देखिए किस तरीके से चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पहले तो भगवान के सामने पैच हुआ गया और उसके बाद मंदिर के अंदर दाखिल होकर यहां पर सोने का मुकुट और कुछ कैश लेकर यहां से चोर फरार हो गए। और अब उज्जैन से खबर है, जहां पर बीजेपी नेता को गोली मारने का मामला सामने आया है, जहां गोली मारने के दो मुख्य आरोपी देवास से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। योगेश भदौरिया, सुरेंद्र भदौरिया देवास से गिरफ्तार किए गए। 7 आरोपियों के खिलाफ केस था दर्ज, मामले में 5 लोग पहले ही गिरफ्तार कर लिए गए थे। तो खबर उज्जैन से है, जहां पर बीजेपी नेता को गोली मारने का मामला सामने आया, गोली मारने के दो मुख्य आरोपी देवास से गिरफ्तार कर लिए गए हैं। योगेश भदौरिया, सुरेंद्र भदौरिया देवास से गिरफ्तार हुए हैं। 7 आरोपियों के खिलाफ केस था दर्ज, मामले में 5 लोग पहले ही गिरफ्तार किए गए थे। तो पहले ही 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे, 2 और अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। कुल 7 लोग इस घटना को अंजाम देने में शामिल थे।